हेलो एंड वेलकम बैक, मैं देवाशीष और आप देख रहे हैं मेरा एक्सेल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न एक्सेल। ओके, आज मैं इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं आपके साथ शेयर करने के लिए, ठीक है, जो कि है कि किस तरह से हम एक एक्सेल में ट्रैफिक लाइट सिग्नल बना सकते हैं। एक्सेल फाइल को देख के आप समझ ही गए होंगे, इस ये जो पिक्चर है इसको देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये क्या डेटा है। तो यह है गाइज, यह है एक ट्रैफिक लाइट सिग्नल, जिस तरह से इसमें कुछ पैरामीटर के हिसाब से रेड, येलो एंड ग्रीन ये लाइट ब्लिंक करना है, जिस तरह से वो अगर पैरामीटर हम सेट करें तो उसके हिसाब से कभी रेड लाइट जले, फिर ब्लू, येलो एंड देन ग्रीन, इस तरह का डेटा मुझे बनाना है। तो ये आप देख पा रहे हैं, जैसे कि मैं कार, ये कंपनी का सेल्स रिपोर्ट जो कि कार, बाइक एंड मोबाइल, ये तीनों प्रोडक्ट का सोल्ड परसेंटेज यहाँ पे है दिया हुआ है, जैसे 1%, 60%, 100% हाइपोथेटिकल डेटा है, ठीक है, मैं कुछ भी बनाया अपनी मर्जी से। तो इसको मैं अगर चेंज करूँ और मैंने कुछ पैरामीटर सेट किया कि कितना परसेंट बिकने से रेड लाइट होगा, अगर रेड होने का मतलब परफॉर्मेंस ख़राब है, कितना परसेंट से लेके कितना परसेंट तक ये सेल हो तो वो येलो लाइट दिखे, मतलब मोटा मोटी एक एवरेज सेल है, और कितना परसेंट होने के बाद ग्रीन लाइट जले जो कि बहुत अच्छा एक सेल है, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैंने एक टेबल मैंने यहाँ पे बनाया जो रेड, येलो एंड ग्रीन करके मैंने बनाया, और उसके हिसाब उसी का एक फार्मूला मैंने यहाँ पर डाला है सिंपल। और अगर इस सोल्ड परसेंटेज को मैं चेंज करता हूं तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कार के लिए रेड जल रहा है, बाइक के लिए येलो जल रहा है, और मोबाइल के लिए ग्रीन जल रहा है, तो ये चेंज होता रहेगा। तो इसको मेक इट 100, बूम, इसको लेट्स मेक इट 10, तो रेड लाइट, और इसके लिए अगर ब्लू चाहिए तो मुझे राइट 85, तो ये है, सॉरी ब्लू तो नहीं है, ये येलो है, ठीक है। तो इसी वीडियो को मैं डिटेल्स में आपको दिखाऊँगा कि दिखाऊंगा कि कैसे आप भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो हम एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ये इसमें कोई फार्मूला या फिर बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल, कंडीशनल, लॉजिकल कोई फार्मूला टेस्टिंग नहीं है, सिर्फ ट्रिक्स है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप इसको हम कैसे बना सकते हैं, लेट्स गो। तो मैं इसको हटा देता हूँ, सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर देता है सबको, सब कुछ डिलीट कर दें, मैं शुरू सबको दिखाता हूँ, ये भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो यह एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैंने जहाँ पे अपने मर्जी से डेटा बनाया, तो लेट्स मेक इट 65, बाइक के लिए सपोज़ बाइक का जो सेल्स परसेंटेज है वो है 85, और मोबाइल जो है वो 98। तो यहाँ पे मैं जो लिखने वाला हूँ वो है एक फॉर्मूला, इसको मैं ठीक कर देता हूँ ताकि मैं आपको शुरू से लिखा पाऊँ, इसको लेके चलते हैं, कैटेगरी कॉपी एंड पेस्ट, ओके। फार्मूला वुड बी, सिंपल फार्मूला है, इफ़ ये सेल परसेंटेज लेस देन 50% है तो स्मॉल एल, मैंने एल लिखा, इसको वेंडिंग करेंगे तो डॉट बुलेट साइन आ जाएगा, अदरवाइज ब्लैंक, प्रेस एंटर। इफ If and this cell greater than or equal to 50 and this cell less than equal to 70, then L otherwise blank, yes. And for the third condition, for the green one, press if this cell is greater than 70, then answer would be L. मैं बताता हूँ मैंने L क्यों लिखा, ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं और नीचे तक पेस्ट करते हैं, इसका ये चेंज कर देते हैं, ये था 55, ये है 70, इसको भी चेंज कर देते हैं,
ये है 55 से लेके 65, so 55 and this would be 65 and this one would be 70 से 70 से 90 तक अगर उसका सेल परसेंटेज है तो है ये लो. सिमिलरली फॉर ये अगर ये 65 से ऊपर है तो है ग्रीन और ये अगर 90 से ऊपर है तो है ग्रीन मोबाइल के लिए. ओके अब इस पूरा जो डेटा है उसको सिलेक्ट करते हैं. अब एल 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 सब में एल है इसको सिलेक्ट करते हैं. अब यहाँ से शुरू होता है जो ट्रिक्स मैंने यूज़ किया है इसके लिए वो और जाते हैं फॉन्ट. फॉन्ट क्या होगा ध्यान से देखिए विंडिंग्स. अब यहाँ पे आते हैं ये है बोल्ड वन वाइट लैटिन उसके बाद देखिए विंडिंग्स. जैसे मैं इसको सिलेक्ट इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए बुलेट साइन बनता है जो कि राउंड शेप में. इसको सिलेक्ट कर लेते हैं ठीक है. तो ये है मेरा एल्गोरिथम टेबल कंडीशनल टेबल. अब नेक्स्ट स्टेप गो टू इंसर्ट गो टू शेप टेक दिस वन रेक्टेंगल शेप राउंड रेक्टेंगल. अब इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके छोड़ देता हूँ. अब जो मुझे करना है वो है इसका अलाइनमेंट और इसका साइज. इसको सिर्फ 1.4 और इसको कर देते हैं ओनली 4 ठीक है. अब इसको थोड़ा सजा लेते हैं मेक इट ब्लैक. आउटलाइन वुड बी शेप आउटलाइन वुड बी नो लाइन इफेक्ट वुड बी शैडो एंड दिस फर्स्ट वन पर्सपेक्टिव. ओके ठीक है यह है एक. अब जाते हैं नेक्स्ट स्टेप. अब गो टू दिस वन फॉर्मेट दिस वन और इंसर्ट से भी आप जा सकते हैं. गो टू इंसर्ट एंड शेप एंड बेसिक शेप ओवल ठीक है जो कि मुझे डायरेक्टली यहीं से मिल जाता है ओवल. इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं. लिमिट कितना बनाएंगे 0.4 और इसको 0.4. अगर ये बड़ा हो जाता है तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं. नो आउटलाइन और इसको मैं कर देता हूँ लेट से मैं इसको रेड बनाऊँगा तो रेड. अब रेड बनाने के बाद जो करना होगा वह है इसका ट्रांसपेरेंसी. मेक इट 60% एटलीस्ट. अगर इस तरह से नहीं होगा तो सिंपली राइट 60 एंड प्रेस एंटर ठीक है. अब इसको सीधा ला के छोड़ देते हैं इसके ऊपर ठीक है. इसको कॉपी करते हैं या फिर कंट्रोल प्रेस करें और एक कॉपी इसका बनाएं और इसको नीचे तक लेके यहाँ पे प्लेस कर दें और एक लेके फिर नीचे तक यहाँ पे लाके इसको प्रेस कर दें. लेकिन तीनों का अलग अलग कलर होना चाहिए. इसका कलर होगा लेट्स मेक इट ऑरेंज आई मीन येलो. बट द ट्रांसपेरेंसी हमें ध्यान रखिएगा क्योंकि हमेशा इसका ट्रांसपेरेंसी जो है वो 60% होना चाहिए नहीं तो बहुत ज़्यादा ब्लिंक करेगा लाइट कलर में आ जाएगा. इसका कलर होना चाहिए दिस वन ओके. अब इसको 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 तीन सबको एक साथ सिलेक्ट करेंगे. इसका थोड़ा अलाइनमेंट हम चेंज करेंगे. कहाँ है इसका अलाइनमेंट सेंटर और ग्रुप. ऑफ कोर्स इसको ग्रुप करना होगा ग्रुप ठीक है. तो इसको यहाँ पे लाते हैं और एक कॉपी इसका बनाते हैं. कंट्रोल एंड माउस को प्रेस करके यहाँ पे और एक लाते हैं. नाउ डू इट अगेन बस ठीक है. अब तीन ट्रैफिक लाइन मेरा बना क्योंकि तीन प्रोडक्ट है कार बाइक एंड मोबाइल. आप चाहे इसको लिख भी सकते हैं मैं इसको लिख देता हूँ कार दिस वन इज बाइक एंड दिस वन इज मोबाइल. नेक्स्ट स्टेप वुड बी गो टू इंसर्ट एंड टेक्स्ट बॉक्स. मैं कुछ भी यहाँ पे लिख के रख देता हूँ. इसको सिलेक्ट करते हैं. अब फॉर्मूला बार पे जाएंगे इक्वल साइन दिस से प्रेस एंटर. अब इसको चेंज कर देते हैं ताकि ये रेड में दिखे 20. तो ये इस तरह से आ रहा है. दोबारा इसको बनाएंगे विंडिंग्स
विंडिंग्स। इसको कर देते 40, इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेंगे, फील नो फील राइट, इसको हम छोड़ेंगे यहाँ पे और थोड़ा सा ऊपर। इसको आपको ध्यान से ठीक तरीके से प्लेस करना होगा। अब इसको हम बनाते हैं 45, ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं 47, और उसका कलर चेंज करके करेंगे दिस रेड, ठीक है। अब सेम चीज़ कॉपी करेंगे, पेस्ट यहाँ पे एक पेस्ट कर देते हैं और इसको यहाँ पे लाके छोड़ देते हैं, ठीक है गाइज। ये थोड़ा सा लंबा वीडियो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ट्रिक्स है, आपको धीरे धीरे करके एक एक करके देखना होगा, और जब आप ख़ुद से भी इसको बनाएंगे तब भी आपको थोड़ा सा टाइम देके इसको बनाना होगा। और इसका वैल्यू था G2 यानी रेड, रेड फॉर कार, लेकिन बाइक के लिए जो रेड है वो है G3, तो लेट्स मेक इट G3, ओह सॉरी सिर्फ 3, इसको भी कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं और इसको ला के छोड़ देते हैं यहाँ पे, ओके। अब इसका होगा G4, क्योंकि मोबाइल के लिए G4 है सही आंसर। 1, इसका अलाइनमेंट ठीक नहीं है, इसका अलाइनमेंट थोड़ा को चेंज करना पड़ेगा, अब ठीक है। तो रेड बन चुका है, अब जाते हैं ग्रीन पे। मैं पहले उसको चेंज कर लेता हूँ ताकि जब मैं करता रहूँ तो लाइट भी जलता रहे, तो मुझे समझ में भी आएगा मैं सही जा रहा हूँ कि गलत। 65 65 एंड 85, ओके। अब आते हैं ब्लू पे, इसको ले लेते हैं, कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे, फिर इसको लेके आते हैं इस जगह पे छोड़ देते हैं और थोड़ा ऊपर चढ़ा के, अलाइनमेंट सही होना चाहिए दोस्तों, ख्याल रहे। और इसका कलर होगा दिस, अब इसका चेंज होगा येलो H2, ओके। ये H, जी को हटा के सिर्फ H कर देंगे, बूम। अब इसका 65 करेक्ट। अब इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल एंड माउस, प्रेस योर माउस, लेफ्ट साइड माउस, दो शायद चल गया, अच्छा इसको एक कर देते हैं, ठीक है। यह होगा H3। अब प्रेस कंट्रोल एंड माउस, इसको थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ देते हैं करके, अलाइनमेंट सही होना चाहिए। दिस हैज़ टू बी H4, ठीक है, फॉर मोबाइल H4 इज़ द ग्रीन लाइट, येलो लाइट, H4, दिस इज H4, ओके। ये लेट्स 100 100 100, इसको क्लिक करते हैं 1, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब लेट्स मेक इट 100, इसको कॉपी करना होगा ना, इसको कॉपी लेके चले आते हैं इस जगह पे छोड़ देते हैं, उसका अलाइनमेंट सही होना चाहिए। तो इसका साइज मैं थोड़ा सा बढ़ा भी देता हूँ ताकि ये इसके साथ मैच कर जाए। अब इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ग्रीन, और फॉर कार ग्रीन इज I2 and 2, इसका कंट्रोल एंड माउस की, इसको मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, एक को हटा देते हैं, आपको थोड़ा सा धीरे धीरे करके इसको करना पड़ेगा। 3, प्रेस योर कंट्रोल की एंड माउस टुगेदर, इसको ड्रैग करके लेके आते हैं इस जगह पे। अब कंट्रोल को छोड़ देते हैं, सिर्फ माउस से इसको, इसका अलाइनमेंट सही कर लेते हैं। I4,
ओके अब इसमें एक बार देखते हैं कम्प्लीटली हुआ कि नहीं। वन वन वन, तो सबका ग्रीन लाइट जल रहा है। और लेट्स मेक इट फॉर येलो लाइट, लेट्स मेक इट 60 60 एंड 80। ठीक है, तो ये येलो लाइट ब्लिंक हो रहा है। 100 100 100 सॉरी 100, यस दिस इज वर्किंग वेरी फाइन। सिंपली बता देता हूँ, इस एक्सेल ट्रैफिक लाइट के लिए आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस वीडियो को ठीक तरीके से बार बार देखना है। इसको बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है, क्योंकि सब कुछ इंसर्ट फंक्शन से ही हो सकता है। इंसर्ट एंड शेप, इंसर्ट एंड शेप, ठीक है। तो इस तरह से और क्या क्या किस तरह से ट्रिक्स कौन सा है, जो जो मैंने बताया ट्रिक्स, आपको सिर्फ उसी ट्रिक्स को ध्यान में रखना है। एक बार चेक कर लेते हैं कार के लिए, लेट्स वन, इसके लिए लेट्स मेक इट 60 और फॉर मोबाइल 100। तो ये है रेड, ये येलो, ये ग्रीन, तीनों लाइट जल रहा है, बाकी सारा लाइट जो है वो स्विच्ड ऑफ है। ठीक है, तो गाइस ये था आज का वीडियो। अगर आपको इसको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइस। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।